क्या समझती है? ये सब कुछ करती रहेगी और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं निकालना, निकलो यहाँ से। मर क्यों नहीं गई तुम? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कह रही है? अभी क्या कह रही है? अब पछताएंगी। मैं किस सगी औलाद हूँ अम्मी? पछता रही हूँ मैं, पछता रही हूँ तुम्हें पैदा करके। इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है, और अगर तुमने इस घर में कदम रखा ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। चली जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे शरे और कानूनी तौर पे तो दोनों निकाह में रह सकती हैं, बशर्ते के कोई औरत बर्दाश्त करे, वो भी ऐसी। इरा के शोहर को अगर यही करना था तो पहले सज्जल से ही शादी कर लेता। इरा की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो इरा पे तरस आ रहा है। बेचारी, शोहर ने भी लगता है बच्ची छीन ली है, कहीं नजर भी नहीं आ रही। हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप लोगों ने देखा ना, मैंने कैसे धक्के मार के सचल को घर से बाहर निकाल दिया। मर चुकी है वो, हमारे लिए कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उससे। मेरी बस एक ही बेटी है, एक ही बेटी है मेरी। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ खुदा के लिए, अगर हमारे दुख में शरीक होना है तो खुदा के पास से मेरे आमिर अली को सकून से रुख्सत होने दे। बस चाची जी।